देखिए टिश्यू, तो टिश्यू जैसे आप जानते हैं कि इसके पहले के चैप्टर में हम लोगों ने सेल पढ़ा। सेल हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, और यूनिसेलुलर एनिमल्स हमने पढ़ा, सिंगुलर ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑल बॉडी फंक्शन परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। अब उसमें हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट भी पढ़ा कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट वेल डिफाइंड आया एब्सेंट, तो उनको प्रोकैरियोट में रखा गया, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है उन्हें यूकैरियोट में। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है ये एच विटेकर के द्वारा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। तो ये सब चीजें हैं। तो आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो है ये प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, प्रोटोजोवा संघ जो है। यार हम कोई चीज एक्स्ट्रा बताते हैं तो टॉपिक का मतलब नहीं, उसका मतलब, कहने का मतलब कि जो हम यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं और मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ये सब आपको पता रहना चाहिए। ये डाइवर्सिटी से मतलब नहीं है, डाइवर्सिटी में तो है ही है, क्योंकि हमें टिश्यू का कॉन्सेप्ट लेना है। तो टिश्यू किससे बनता है? अ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल बाइंड टूगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। अब देखिए जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता है, लेकिन जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो पोरीफेरा से लेकर के हम लोग जो है टिश्यू, हम लोग जो है क्या है, ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हमारा है। जबकि सीलेंट्रेटा जो टिन ये सिनेलिया है या सीलेंट्रेटा फाइलम है, इनमें टिश्यू सिस्टम, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब श्रम का बंटवारा, कि आपको ये करना, आपको ये करना, अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया गया है। एक पीएम होता है, एक सीएम होता है। हाँ बोलो। फ्लोएम टिश्यू सेल कैसे होता है? अरे जाइलम और फ्लोएम ये टिश्यू है, लेकिन किससे बने हैं? सेल से ही। तो जाइलम और फ्लोएम ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपका है, बिकॉज ऑफ दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। फोर टाइप के सेल से बना होता है जाइलम और फ्लोएम, बाकी आपने सिंपल टिश्यू। तो टिश्यू तो अभी हम आ ही रहे, इसी में है भाई सारी चीजें, वही तो है बताया। तो टिश्यू किससे बनता है? सेल से ही। तो हाँ बोलो। हाँ क्या दो तीन तरह के सेल्स हैं? हाँ ब्लड हमारा जो है कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू है, जो प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बना होता है, समझे? ब्लड प्ला मतलब प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स। अब कॉर्पसेल्स में तीन होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो नहीं तो
क्या बोला गया कि परफार्मा स्पेसिफिक फंक्शन मतलब सिमिलर टाइप के सेल एक जैसे सेल मिल करके जब एक स्पेशल फंक्शन करते हैं तो संरचना टिश्यू कहलाती है। तो ब्लड में है RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है? ये सब लगभग एक ही जैसी सेल्स हैं, समझे ना? मतलब सेल्स हैं, अब ये है कि उनकी बनावट, उनकी संरचना फिलहाल थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन बात वही है, समझे ना, कि ये जो ब्लड टिश्यू बना रही हैं, तो ऐसे यहाँ पर है आपके हमारे बॉडी में, तो सेल्स मिल करके टिश्यू बनाती हैं। सीधा सीधा आप जान लीजिए कि सेल जब कंबाइन होती हैं तो क्या बनाती हैं, वो टिश्यू बनाती है, एक नए तरह का, जैसे हम पढ़ते हैं लेटर मिल करके वर्ड बनाते हैं, और वर्ड मिल करके क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं ना। तो ऐसे ही टिश्यू मिल करके, अब उसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिल करके आर्गन बनाते हैं, और डिफरेंट आर्गन मिल करके आर्गन सिस्टम बनाता है। तो बात यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, थोड़ा सा देखते हैं। इन चैप्टर थ्री थ्री इट हैज बीन डिस्क्राइब दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप द सेल। अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा हैज अ सिंगल सेल इन इट्स बॉडी। अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक लाइफ एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा मूवमेंट ऑफ ए सेल, इनटेक ऑफ फूड्स एंड रेस्पिरेशन, गैसेस ऑक्सीजन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ऑल इज डन। क्या? अरे ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? परासरणी विसरण, जो वाटर्स है, जो मिनरल्स जो उसके अंदर आते हैं, इसका जो रेगुलेशन होता है, समझे ना। हाँ, नियंत्रण, परासरण नियंत्रण बोलते हैं इसके अंदर, जो बॉडी के अंदर जो चीजों का नियंत्रण होता है, कंट्रोल, मतलब कि जो ये पढ़ते हो, अभी हमने पढ़ाया था चैप्टर फर्स्ट में कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल्स, तो इन सब का जो रेगुलेशन होता है उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ दीस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट ओनली अ फ्यू फंक्शन एफिशिएंटली। दीज फंक्शंस आर टेकन अप बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। उसी बात अब हम टिश्यू की तरफ आ रहे हैं, तो ज्यादातर सिंगल यानी मतलब यूनिसेलर में तो सब एक ही सेल कर रहा है, लेकिन ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जो जटिल शरीर रचना वाले हैं, जैसे मल्टी सेलर, इन सब में क्या होता है, दीज सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट ओनली अ फ्यू फंक्शन इफिशियंटली, मतलब केवल कुछ ही फंक्शन को करने के लिए वो स्पेशलाइज होती हैं, बनी होती हैं, सारे फंक्शन को नहीं कर सकती हैं। दीज फंक्शन आर टेकन अप बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, दस वी कैन से दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर मतलब श्रम का बंटवारा इन द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू काज मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट। हमारे शरीर में मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्स होता है, मसल्स और बोन्स, समझे ना, ये जो लिगामेंट होते हैं और टेंडन्स, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं। लिगामेंट तो बोन टू बोन जॉइंट को करता है, और टेंडन जो होता है बोन्स और मसल्स को, तो इनके रिलेशन और कॉन्ट्रैक्शन से। हाँ, हम वही तो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आगे है सब।
पढ़ते रहिए। मूवमेंट्स इन अ बॉडी पार्ट, नर्व सेल्स आपका आर न्यूरॉन्स, कैरी मैसेज, ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्टिंग का काम ब्लड करता है, एंड सो ऑन। लाइक वाइज इन प्लांट सेल्स ऑफ फ्लोएम कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दस वी सी दैट सेल व्हिच स्पेशलाइज इन अ फंक्शन आर अ ग्रुप टूगेदर एंड फॉर्म आ क्या करती हैं, टिश्यू बनाती हैं। ब्लड, फ्लोएम, मसल सेल्स, नर्व सेल, ये सब नर्व, ये सब क्या हैं, जो हैं एग्जाम्पल आप टिश्यू हैं। अब देखिए, अंडरलाइन करिएगा, अंडरलाइन हुआ है ऑलरेडी। आप भी, द टर्म टिश्यू वाज क्वाइंट बाई विचैट, टिशू नाम जो दिया बिचैट ने दिया 1792 में, और स्टडी ऑफ टिशू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोन मीन्स टिशू होता है, लॉजी मीन्स स्टडी, तो जब टिशुओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब बॉक्स नंबर 3.1 में, इससे इतिहास हो गया इनके डिस्कवरी से रिलेटेड। द मैरी फ्रैंक्वेस जेवियर बेचेट ने, एक एंटोमिस्ट थे ये, एनाटोमिस्ट थे एंड पैथोलॉजिस्ट थे, रोगाणुओं का अध्ययन करने वाले, और एनाटोमिस्ट शरीर क्रिया की रचना उन सब चीज़ों का अध्ययन करने वाले। द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है इन्हें। ऑल दो वर्किंग विदाउट अ माइक्रोस्कोप, फिलहाल उस समय माइक्रोस्कोप नहीं था सही से, बेचट डिस्टिंग्यूस 21 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री टिशू, फिलहाल इन्होंने 21 तरह के एक बेसिक टिशू का मतलब डिस्टिंग्यूस किया था, पहचाना था, फ्रॉम विच द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर कंपोज। अगला है मार्सेलो मैल पिग, ही 1628 to 94 कंसीडर्ड एज फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, इनको हिस्टोलॉजी का स्थापक कहा जाता है। और टर्म हिस्टोलॉजी वाज क्वाइंड बाय मेयर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हिस्टोलॉजी जो नाम दिया किसने दिया, मेयर ने नाम दिया 1819 में। सब जो भी कुछ किया है वो साइंटिस्ट ही कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर, कह रहा है कि कोशिकाओं का समूह लगभग एक जैसी संरचना वाली जब मिलके कोई अलग कार्य करती हैं, पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू, अ सेल्स ऑफ ए टिश्यू हैव कॉमन वर्जन, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन नर्व टिश्यू प्रजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स हैव नर्व्स।